Hey guys, welcome back to my channel. मैं मोनिका, आप देख रहे हैं राउत फैमिली ब्लॉग्स. एंड आज का जो ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हुई है इवनिंग टाइम से, और अभी मैं और मम्मी कुछ बनाने वाले हैं. सो ये कल हम मार्केट गए थे तो वहाँ से हम लेके आए हैं मक्के, जिनको हम मुंगरी बोलते हैं वैसे. सो आज हम इन्हीं की एक दो मतलब डिश बनाने वाले हैं जो कि बहुत खाई जाती है पहाड़ों में. और मम्मी अभी वही तलने में लगी हुई है. सो यहाँ पर मम्मी अभी मुंगरी उतार सो अभी मम्मी जो है मुंगरी को मतलब वो अलग कर रही है. तो अभी ये चीज़ें चल रही हैं और इसके बाद हम आपके साथ भी शेयर करेंगे कि कैसे हम बना रहे हैं. तो दो चीज़ें बनाने वाले हैं, इसकी पकौड़ियाँ भी बनती हैं. सो वो भी मुझे तो नहीं आती, मैंने सिर्फ खाई हुई है पहले. तो मम्मी बनाएगी तो मैं भी सीखूँगी आज कैसे बनाते हैं. अभी तो फ़िलहाल मम्मी ये इसके जो दाने हैं ये अलग कर रही हैं, और ये ज़्यादा मतलब कच्ची भी नहीं है और ज़्यादा पक्की वाली भी नहीं है. मतलब सही है, इसके दाने ज़्यादा कच्चे वैसे नहीं हैं, पक्के ज़्यादा वैसे नहीं है. ज़्यादा पक्के होते हैं तो फिर भी सही से नहीं बनता है ना. और मतलब और घर में तो सिलबट्टे में करते हैं ना, हम पीस के करते हैं सिलबट्टे में, बट हमारे पास यह है नहीं तो हम मिक्सी में करेंगे इनको. अभी तो मम्मी छील रही है, मैं भी छीलती हूँ जल्दी से, फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे कैसे बनाते हैं. एक इनकी बनाएंगे हम भटूरी, एक पटूरी बनाएंगे वो तवे में बनती है. सो वो भी अभी मतलब आगे आपको पता चल ही जाएगा. और एक बनाएंगे हम इसकी पकौड़ियाँ ना, एक पकौड़ियाँ बनती है इसकी. तो जैसे जैसे जो जो बनेगा वो हम आपके साथ आगे शेयर करते जाएंगे. पहले तो ये छीलते हैं हम अभी. अब मम्मी बताएगी आज कैसे बनाना है, क्योंकि मुझे नहीं आता, मैंने खाया हुआ है पहले, अब बनाया कभी नहीं है. और एक ये पैकेट देखिए, पैकेट लेके चिप्स ही खा रही है ना. ठीक है ना. तो ये जो मक्का ये हमने पीस लिया है, एक बार पहले कर लिया था और अभी दूसरी बार का भी हो गया है अच्छे से. तो इस तरीके से इसको पीसना है. एक बार एक दो बार हमने इसको धो लिया था पहले, और उसके बाद हमने इसे अच्छे से पीस लिया है बिना इसमें पानी मिक्स किए. इसको ऐसे हमने इसका पेस्ट बनाया हुआ है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है और ज़्यादा वैसा भी नहीं है. बड़े वाले बॉल में निकाल के रख दिया है, और अभी इसमें मम्मी मसाले मिक्स कर रही है. तो पहले मिर्च मिक्स कर रही है, मतलब मसाले जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही मिक्स करने होते हैं ना. मिर्च, धनिया, हल्दी तो थोड़ी सी मिक्स करनी है, और फिर नमक वही टेस्ट के अकॉर्डिंग. और ये जो हमने लिए थे मक्के, ये हैं एक किलो लिए थे हमने. एक किलो में थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि एक के मक्का जो है वो थोड़ा सा कच्चा सा है. सो इसका हम जो भुट्टा टाइप का होता है उस तरीके से इसको बनाने वाले हैं. बाकी इसमें बस ये नॉर्मल चीज़ें मिक्स होती हैं, और उसके बाद इसको अच्छे से करना है मिक्स, जो कि मम्मी कर रही है. और उसके बाद आगे बताते हैं आगे क्या क्या करना होता है. इसमें मसाले इसमें हो गए अच्छे से मिक्स, और इसका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करने वाले हैं जिख्या, जो कि हम पहले भून के इसमें डालने वाले हैं. तो तवा इधर गर्म हो रहा है, अभी इसको भी भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिख्या. जिख्या भी हो गया हमारा, इसको फिर से मिक्स करेंगे. पहले बना रहे हम पटूरी. सो पहले बना रहे हम पटूरी, उसके लिए हमने यहाँ तेल मतलब गर्म करने के लिए रखा हुआ है तवे में. और उसके बाद इसको जैसे ऐसे ही इसको ऐसे करके प्रेस करना है इसमें अच्छे से, और फिर हमारी पटूरी रेडी हो जाएगी. इसको थोड़ा सा पकने देना है.
हैं पोपट हो जाले और पटरी हमने बनाने के लिए रख दी है और उस पर ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे बैटर बन गया है तो उसको बस तेल लेना है थोड़ा सा, घी में भी बना सकते हैं ना, वैसे घी में भी बना सकते हैं बट हमने तेल का यूज किया है। तो तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तवे में और नॉन स्टिक हो तो फिर मतलब चिपकने का डर रहता ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वाला तवा होता है ये वो है। तो हमने तेल थोड़ा सा ज्यादा लिया है, अगर नॉन स्टिक हो तो उसमें आप तेल बहुत ही कम सा ले सकते हैं। और अभी ये बस पकने वाला है एक साइड से, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, एक मिनट के अंदर ही ये पक जाएगा और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अभी दिखाऊंगी मैं, ये एक साइड से अच्छे से पक चुका है और अभी मम्मी ने फिर से इसमें तेल डाला हुआ है ताकि वो चिपके ना। ये अच्छे से हो गया है, क्रिस्पी सा हो गया है बाहर से, तो ये अच्छे से पक चुका है, दोनों साइड से क्रिस्पी हो गया है और अच्छे से पक गया है। बहुत ही ईजी इसको बनाना और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये एक मिनट से रेडी हो गया हमारा, अभी और बनाते हैं एक दो। हाँ जो फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है, सेकंड टाइम हमने बहुत ही कम सा तेल लिया हुआ है इसमें। और अभी इसे अच्छे से प्रेस करना है हाथों से और फिर बन के ये रेडी हो जाएगा जल्दी। पटूड़ी हमने बना ली है और दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, खाने में भी टेस्टी होगी। ये बना ली हमने और अभी मम्मी बना रही है पकौड़ियाँ, अब थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है तो उसकी अब पकौड़ियाँ बना रहे हैं। पकौड़ियाँ भी नॉर्मल बनेंगी, जैसे इसमें कुछ बाकी चीज़ें ऐड नहीं करनी। पेस्ट भी सही है पकौड़ियों के लिए ना मम्मी, सही है पेस्ट भी सही है, ज़्यादा मतलब वैसा नहीं होना चाहिए लिक्विड टाइप का, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया तो पेस्ट बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो और ज़्यादा पके हुए भी नहीं थे, ज़्यादा कच्चे भी नहीं थे, तो पेस्ट तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है इसका, तो हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऊन हो जाए थोड़ा सा ऊन मिला हाँ, तो अगर पेस्ट थोड़ा सा मतलब पतला सा हो जाए तो उसमें हम बेसन वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सही है। तेल रखा हुआ है गरम करने के लिए, बाकी जैसे नॉर्मल पकौड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके से बनेगी। सो भी ये भी बनाते हैं एंड उसके बाद एक और चीज़ बनाएंगे हम। पहले हमने सोचा था दो चीज़ें बनाएंगे, बट अभी जैसे कि मैंने बोला ये भी है तो ये थोड़ा सा कच्चा सा है तो इसकी वजह से ना दाने निकल ही रहे थे, तो अभी इसका हम भुट्टा बनाएंगे, इसको भून के तो इसका भुट्टा बनेगा और बाकी पकौड़ियाँ तो बनेंगी। पकौड़ी बोल रही हूँ पकौड़ी तो इनको मतलब नॉर्मली पकौड़ियाँ ही बोलते हैं। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एक ही डायलॉग है तो इन्हें इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है और बस ऐसे ही डिप कर देना है तेल में, जैसे नॉर्मल पकौड़ियाँ बनती हैं, और ये जल्दी जल्दी बन जाएंगे। मक्की की पकौड़ियाँ बन के भी रेडी हो गई हैं और बहुत ही ये भी क्रिस्पी लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ये हमारी तीनों चीज़ें बन के रेडी हो गई हैं, सो भी चलते हैं और देखते हैं इनका टेस्ट कैसे होता है। तो टेस्ट करके बताओ कैसे हो रहा है। जल्दी बोलो, मेरा अच्छू कंदू बोलो। ये जब नहीं हुआ यार, खाने में नहीं पीड़ा पाने दे। ये भी खाएंगे पापा? नहीं तो गर्म होने वाला। क्या? ओ ना। नहीं चीज़ से खाना है। खा लिया सबने, मैंने और अभिनंदन तो नहीं खाया। काफी मतलब अच्छी हो ही रही थी। हेलो मामा।
बहुत बढ़िया उड़ी था पकौड़ी पटोरी क्योंकि मैंने तो खाई नहीं, मम्मी ने और उन्होंने खाई थी उन्होंने, और इनके लिए बनाई थी। और वैसे मुझे भी आइडिया बहुत इजी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं और मैं भी बनाऊंगी फिर कभी। और मम्मी ने फिर से मैगी लगाई है आज कल इस साइड को लगाई थी तो आज इस साइड को लगाई है, तो अभी सूखे नहीं है, सूखने वाले हैं। आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।